ठाकुर ने दलित बन हासिल की कोटे की सीट। फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट से बन बैठा सरकारी डॉक्टर। क्या यही है सवर्णों की जन्मजात मेरिट? आपने अक्सर सवर्णों को दलित बहुजनों के आरक्षण को कोसते हुए देखा होगा। ये लोग अक्सर दुहाई देते हैं कि आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है और अयोग्य लोग नौकरी पा जाते हैं, जबकि योग्य सवर्णों को नौकरी नहीं मिलती। लेकिन इसी आरक्षण को हथियाने के लिए बहुत से सवर्ण फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर दलित, आदिवासी और पिछड़ों का हक खा रहे हैं। ये लोग फेक कास्ट सर्टिफिकेट के बलबूते बड़े बड़े पदों तक भी पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बहराइच में सामने आया, जहां एक ठाकुर जाति के व्यक्ति ने फर्जी दलित बनकर कोटे की सीट खा ली और वो सरकारी डॉक्टर भी बन बैठा। नव भारत टाइम्स की खबर के मुताबिक फर्जी दस्तावेज के सहारे सामान्य जाति के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के पाठ्यक्रम में प्रवेश हासिल किया। यही नहीं, वो फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे डॉक्टर भी बन गया। इसकी जानकारी जब उसके गांव के ही एक व्यक्ति को हुई तो उसने कोर्ट में केस दायर कर फर्जी डॉक्टर गेंदा सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। प्रयागपुर के शिवदहा निवासी नायब सिंह ने अदालत में कहा कि चूंकि डॉक्टर गेंदा सिंह ने फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र तैयार कराया है, उसने किसी एक पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हुए धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का अपराध किया है। इसके आधार पर सरकारी नौकरी भी हासिल की, बाद में कार्रवाई के डर से इस्तीफा भी दे दिया। वर्तमान समय में उप प्रमाण पत्र के आधार पर ही LRP कॉलोनी बहराइच के सामने डॉक्टर सर्वे शुक्ला के अस्पताल के पास आस्था पैथोलॉजी के नाम से पैथोलॉजी खोले हुए है, जो कि पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वादी मुकदमा ने क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट सहित कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर विपक्षी ठाकुर बिरादी का व्यक्ति साबित हो रहा है। उपरोक्त सबूतों के आधार पर ACGM कृष्ण कुमार ने प्रभारी निरीक्षक प्रयागपुर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद डॉक्टर गेंदा सिंह पर 419 और 420 के तहत प्रयागपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। यानी ठाकुर जाति के गेंदा सिंह ने फर्जी दलित बनकर पहले MBBS में दलितों की सीट खाई और फिर उनकी नौकरी भी खा गया। एक तरफ तो ये लोग आरक्षण को गाली देते हैं और दूसरी तरफ खुद ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर उनकी नौकरी भी खा जाते हैं। शास्त्रों में इसे ही दोगलापन कहा गया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामलों में हाल के दिनों में तेजी देखी गई है। पंजाब में तो 10,000 से ज्यादा फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है, जिसे लेकर वहां लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन भी जारी है। इससे पहले हरियाणा में भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर वेटनरी विभाग में ऊंची पोस्ट तक पहुंचने वाले जाट जाति के जसवंत दैया को भी गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन के मिलीभगत और भ्रष्टाचार के कारण इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवर्ण जाति के जाने कितने ही लोग इस तरह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर दलित बहुजनों का हक खा रहे हैं। ये लोग फर्जी दलित बनकर दलितों का नाम भी खराब करते हैं, क्योंकि इन्हें काम करना तो आता नहीं, और जब ये लोग अपने काम में गलतियां करते हैं तो इनके साथी सवर्ण दलितों को गाली देते हैं और उनके आरक्षण को कोसते हैं। सवर्णों को इस तरह के भ्रष्टाचार से बाज आना चाहिए। ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि दलित बहुजनों की हकमारी ना हो। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।